किस तरह का एक्शन? मैं सरकार, मैं इस मामले में चीफ मिनिस्टर से बात करूंगा। अभी एक गैंग क्रिएट हुई, पर्चा यदि लीक हुआ है तो ही उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लीक, पर्चा लीक हो या नहीं हो, लेकिन एक गैंग एक और खड़ी हो गई है जो पर्चा लीक को लेकर नेतागिरी कर रही है, तो उस गैंग की भी सच्चाई सामने आनी चाहिए ना। कौन है ये लोग जो सिर्फ पर्चा लीक से ही नेतागिरी करना चाहते हैं? हुआ या नहीं हुआ ये भी पता नहीं अभी तक। कोई एग्जाम हो जाए उसमें कहते पर्चा लीक हो गया, अरे तेरा क्या लेना देना, तू बता तू कहां से ये बयान देता है। ये जो राजस्थान को बदनाम करने के बयान दे रहे ना, उनकी भी जांच होनी चाहिए। मैं इन अधिकारियों से भी कहूंगा, ज्यादा तुम भी कमजोर मत पड़ो, यदि हुआ है तो बोलो, सच्चाई सामने तो आए। जबरदस्ती एक हवा बन गई पर्चो लीक, अभी MP में हुआ, गुजरात में, यदि होता है तो आप बिल्कुल, हमको पर्चा लीक हो गया तो कार्रवाई करनी चाहिए, उठा के लाना चाहिए। अब हम जब एग्जाम देते थे, मैंने देखा है, हम एग्जाम देने जाते थे, तो मैं आज कितने साल हो गए, बरसों पहले, तो मेरे घर के पास में वो हमारे शंकर रहता है, तो मैं कोई ये देता नहीं था, अब गैस पेपर वगैरह ना मैं मंगाता, मैं अलग ढंग से पॉलिटिक्स करता था। तो मैं शंकर के घर में भीड़ लग रही, तो मैं पूछ रहा है वो कहीं है शंकर, बोल साहब पेपर बांट रही है। अब वो बूढ़ा हो गया, 20-25 साल पुरानी बात है, तो मैं उससे पूछता है तू कहीं करे खटू दे पेपर, बोले कौन सा पेपर देवे नेताजी, मैं तो कहीं है कि वन डे वन वीक सीरीज आवे ना, वन डे वन वीक से बीमू छाट बाद बे देवे 10-5 बीमे से 5-7 छाट दे दूँ, तो मैं तन कांडा, बोले मैं तो खुद ही आड़ू हूँ, अब भाई आ जावे, तो अब उसका कोई इलाज नहीं है। ये जो पेपर जो एग्जाम करा रहे हैं वो भी मुझे लगता है इनका भी माला खाली है। ये कई बार एग्जाम होते हैं, मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ, कई स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं जो कह देंगे आपकी बात, ऐसे ऐसे मास्टर बता दूं होशियार है जो कहेंगे ये क्वेश्चन आएंगे, तो 5-7 तो आएंगे ही, वो लोगों के दिमाग में रहती है कि ये आ सकता है, उसी को आप फिर इशू बना ले। लोग क्या करते हैं आजकल, सोशल मीडिया पे डाल देंगे एग्जाम के बाद, या एग्जाम चालू हुआ कोई ना कोई पेपर लेके बाहर निकल जाता है और उसको बदनाम करने के लिए कह देगा साहब ये आ गए। अरे यदि है तो अपराधियों को हम जेल भेज रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं किसी को। अब इसमें भी जाँच करनी पड़ेगी कि पेपर लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैंने कहा है, और अब छोटे स्तर पर एग्जाम कराने पड़ेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जैसे पहले होते थे। अभी एक साथ जो सेंट्रलाइज हमने एग्जाम किए, और मैंने कहा है CM साहब को सेंट्रलाइज एग्जाम की, उससे भी गड़बड़ हुई है सारी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।